बसता नहीं रहता। जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी बात है रास्ता नहीं मिलता। जैसा कि मोहम्मद के नवासे ने किया है, तारीख में ऐसा कोई सजदा नहीं मिलता। जैसा कि मोहम्मद के नवासे ने किया है, तारीख में ऐसा कोई सजदा नहीं मिलता। हज़रत अल्लामा शहनशाह खिताब मुनाज़िर अहले सुन्नत आबरूए अहले सुन्नत आबरूए दरसगाह हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद मसीहुद्दीन साहब क़िबला हशमती मदज़िल्लाउड़ानी जलवागर है। बिल्कुल बस इंशाअल्लाह बहुत जल्द हजरत का बयान हमें और आपको समाप्त करने को मिलेगा। और यकीनन मेरी ये ख्वाहिश होती है कि जहाँ भी ऐसे खुतबा हो जिनके बयान से कौम का कुछ फायदा हो, तो उनका बयान हमें जल्दी हो जाना चाहिए। ये मेरी अपनी सोच है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब को कि उन्होंने बहुत अच्छे वक्त पर हजरत को मिंबरे रसूल के हवाले किया है। यकीनन बहुत जल्द हजरत का बयान हमें और आपको समाप्त करने को मिलेगा। जरा सा हाथों को उठाकर एक बार कह दे या हुसैन। अगर आप हुसैन, बार बार बताया जा रहा है कि हुसैन है, तो हुसैन ने आवाज निकाली। जरा बताइए कि हम हुसैन या हुसैन, और गलत आवाज से कहें या हुसैन। मतलब पढ़ता हूँ मैं इमाम हुसैन की बारगाह में। अगर किसी के बाप दादा का जिक्र हो तो चुप रहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर इमाम हुसैन जिन्होंने अपने खानदान और कुटुंबे को कुर्बान करके अपने नाना का दीन हमारे और आपके सीने में बेवस्त कर दिया, जब उस हुसैन का जिक्र हो तो आप जरूर इमाम पाक के नाम पर सुभान अल्लाह कहना चाहिए। लोग कहते हैं करबला की जंग ऐसे ही हुई है जैसे आम जंगें होती हैं। माज़ अल्लाह, किसी ने कहा इमाम हुसैन का नाम यजीद मिटा देगा, किसी ने अपने अपने ढंग से तस्करा किया। मगर एक शायर कहता है कि बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, हर बार हुरबला तेरा बेकार जाएगा, और पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेजे पे करबला का, नेजे पे करबला का जमींदार जाएगा। कुछ लोग इनाम दे रहे हैं, कुछ लोग सुभान अल्लाह कह रहे हैं, कुछ लोग चेहरा देख रहे हैं। मेरे भाई भाई, चेहरा देखने से सवाब नहीं मिलेगा, इमाम पाक का नाम लेने से सवाब मिलेगा। जरा सा कह दे सुभान अल्लाह, और जरा बुलंद आवाज से कहे या हुसैन। तारीख के हवाले से कि हुसैन आपके साथी कमाल के निकले, वफा की राह में सब ख्याल के निकले। हुसैन आपके साथी कमाल के निकले, वफा की राह में सब ख्याल के निकले। हुसैन मौत को हैरत में डाल कर निकले, भवर से दीन की कश्ती निकाल कर निकले। खबर से मौत की कश्ती निकाल कर निकले। अब वो शेर में पढ़ता हूँ, जिस शेर को पढ़ने के लिए मैंने ये दो मिसरे पढ़े हैं। जरा सा हाथों को उठाकर कह दे या हुसैन। अगर आप मानते हैं कि इमाम हुसैन ने ऐसा किया है, तो आप जरूर इमाम हुसैन के नाम पर सुभान अल्लाह कहोगे। हुसैन आपके साथी कमाल के निकले, वफा की राह में सब ख्याल के निकले। हुसैन मौत को हैरत में डाल कर निकले, खबर से दीन की कश्ती निकाल कर निकले, और अजब मिजाज के कैदी थे कैद खाने से यजीदियत का जनाजा निकाल कर निकले। अजब मिजाज के कैदी थे कैद खाने से यजीदियत का जनाजा निकाल कर निकले। इंशाल्लाह एक दो नाम के बाद गौर हुजूर मसीहुल उलमा का बयान होगा। इस वक्त वो शख्स आपके हवाले हो रहा है जिसने अपने कम उम्र में यकीनन पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया और पूरे हिंदुस्तान के जलसों में जाकर हमारे इलाके का नाम रोशन किया, जिसने अपने बाप दादा के नाम पर नहीं बल्कि अल्लाह के नबी की नाम की दुनिया पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोजे की जियारत भी जिसने की, जिसने सरकार गौसे आज़म सरकार बड़े पीर दस्तगीर के की ज़ियारत की। ये उसके लिए बड़े फख्र की बात है कि बहुत कम वक्त में उसने हिंदुस्तान के अक्सर हिस्सों का दौरा किया है। मैं उस शख्स से गुजारिश कर रहा हूँ जो जरूरत है हर जलसों की, हर मुशायरों की, और हर लाख के महफिल में उसकी जरूरत महसूस की जा रही है।
सारे लाश अदर से कारी ज्यादा सा उनको पढ़ने का अच्छे ढंग